नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए लेके आ गया हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गणित के 25 क्वेश्चन। गाइस ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एज यू नो, और ये 100% कंफर्म है कि ग्रुप डी में भी यही क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के। इसलिए बोल रहा हूँ सीरीज को कंटिन्यू देखते चलो, कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाते चलो, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, ज्यादा दिन बचे नहीं है ग्रुप डी की परीक्षा, तो बहुत जोर लगा के शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज के 25 क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले हम एक इंफॉर्मेशन, जब एनटीपीसी के परीक्षा आ गए थे उसके पहले हम लोगों ने एक 500 मैथ्स के क्वेश्चन का एक पीडीएफ रोल आउट किया था। गाइज लेट मी टेल यू, मोर देन 70% ऑफ द क्वेश्चंस जो एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं वो इसी पीडीएफ से है। ठीक है, बहुत ही मेहनत के साथ इसको, बहुत ही सूझबूझ के साथ इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, इसका जो लिंक है परचेस करने का वो डिस्क्रिप्शन में होगा, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, आप पे करके आराम से इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना ग्रुप डी का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि x माइनस वन और x प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के गुणनखंड है तो क्रमशः a और b का मान क्या है। तो देखो, अगर ये गुणनखंड है x माइनस वन, तो इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर आ जाएगा। तो भैया x की वैल्यू पुट करते हैं 1 रखूंगा, सो यहां क्या जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 0, सो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आगे देखते हैं, अगर यहां x प्लस थ्री है, अब क्या x प्लस थ्री है तो मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू माइनस थ्री, और ये मैं यहां पे पुट करता हूं, सो माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री ए और प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, 0। दैट मींस 3 3 9 और यहां माइनस थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, दैट मींस माइनस थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 9, दैट मींस 3a - b इज इक्वल टू 9। ये आ गया इक्वेशन 2। ठीक है, ऑपरेट कराइए a और ऑपरेशन नंबर 1 और ऑपरेशन नंबर 2 को। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो a और b की वैल्यू निकल जाएगी। अरे हाँ की ना, तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1 और 3a - b इज इक्वल टू 9। b से b कैंसिल आउट, तो यहां क्या हुआ, 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू आ गई क्या गाइस, 2, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लेट्स सी इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, सो 2 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1, तो b इज इक्वल टू माइनस 3। 2 और माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी 2 और माइनस 3 इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित राशि पर 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 600 हो जाता है, होती यदि मूलधन 5 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाती है, 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा। समझो 10 वर्ष है, 5 वर्ष तक, 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना था, 600 था। इसका मतलब 5 वर्षों में, 5 ईयर और ये 5 ईयर, ये स्टार्टिंग 5 ईयर में कितना मिलता, 300 मिलता कि नहीं मिलता, और इसमें 300 मिलता। लेकिन पहले वाले में तो भाई 300 का 300 ही रहा, लेकिन दूसरे वाले 5 ईयरों में क्या हो गया, मूलधन 5 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज भी भाई 3 गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3, खेल खत्म। तो 300 प्लस 900 विच इज इक्वल टू 1200 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 1200 रुपया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, दो क्रमागत सम पूर्णांकों का मासा क्या होगा। देखो, दो क्रमागत अगर मैं ले लूं 2, उसके बाद कौन सा आएगा, सम 4 आएगा। अरे हाँ कि ना, इनके बीच में HCF क्या दिख रहा है, इसके बीच में मासा क्या दिख रहा है, 2, हमेशा 2 ही होगा। अगर कोई दे दो 18 20, इसके बीच में HCF क्या होगा, 2 ही होगा, कोई भी ले लो, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PQR 35,000 45,000 और 55,000 निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, 40,500 के वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा ज्ञात करिए। जो भी इन्वेस्टमेंट रेशियो में होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा
उसी इन्वेस्टमेंट रेशियो में ये अमाउंट, ये लाभ बट जाएगा। अरे हाँ कि ना। सो पी क्यू आर 35,000, 45,000 और 55,000। शून्य 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 कैंसिल आउट। 5 से 7 बार, 5 से 9 बार, 5 से 11 बार, ठीक है। सो किस रेशियो में? 7:9:11। इस रेशियो में किसको बांटना है? 40,500 को बांटना है। तो यहां देख लो, 20 27 27 किसके बराबर? 40,500। दैट मींस कितना हुआ ये? 15 गुना 1500, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 1500, दैट मींस 10500, 10,500 ये मल्टीप्लाई बाई 1500, तो कितना हो जाएगा ये? 135 फिर 20, ये मल्टीप्लाई बाई 1500 कितना हो जाएगा? 16,500। विच ऑप्शन? 10,500, 13,500 और 16,500। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 167, 334, 368, then 1336 के बाद क्या आएगा? देखो भैया ये क्या हो गया? दुगना हो गया, दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ्स में दे दिया, चलो कोई बात नहीं। सो 13 क्या हो गया ये? 72 और 26। 2672, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3+1/1+1/2+1/4। तो गाइज इसको कैसे करते हैं? नीचे से बॉटम टू टॉप अप्रोच लगाना है। सबसे पहले ये नीचे का खेल करना है। तो यहां पर जरा देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा ये? 4 2 8 और 1 9, 9/4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4/9। अरे हाँ कि ना। और यहां क्या होगा? +1, दैट मींस 9 13 13/9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9/13। और यहां क्या है? +3, 39 39 39 और 39 और ये 48/13। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। वन सेकेंड गाइस, ओके एवरीथिंग इज गुड। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 सह अभाज्य मतलब को प्राइम संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मासा क्या होगा? अब बताओ सह अभाज्य बोलो या को प्राइम बोलो, उसका एचसीएफ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये वैल्यू आपको ब्लफ करने के लिए दी गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त के त्रिज्या की आधी है और ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है? क्या बोल रहा है? उस ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये होता है 2 बार, और प्लस 2πRh, ये होता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? सिलेंडर का, जिसकी त्रिज्या 154 मीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले वृत्त के त्रिज्या की आधी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या दिया गया? एरिया। इस एरिया वाले वृत्त के त्रिज्या की आधी इस सिलेंडर की क्या होगी? त्रिज्या होगी। और इस की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर होगी। अरे आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब आपको एक पता है, रेडियस, पेरीमीटर, और अगर मैं देखूं एरिया, एक आपको मैंने बताया था रेशियो 7:44:154, आई होप यू रिमेंबर। अगर 7 रेडियस होता है तो उसका पेरीमीटर, उसका सर्कमफेरेंस वृत्त का क्या होता है? 44, और उसका एरिया कितना होता है? 154। अब देखो एरिया तो 154 ही है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, तो रेडियस भी क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 1, 7 इसका रेडियस होगा इस वृत्त का रेडियस कितना होगा? 7 होगा। और बोला है लेकिन इस सिलेंडर में इस वृत्त की त्रिज्या की आधी है, इस सिलेंडर की क्या त्रिज्या? दैट मींस
इस वाले केस में आर की वैल्यू 7/2 मतलब 3.5 है, और हाइट कितना दिया गया है और ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है मतलब 7 है। इन दोनों की वैल्यू पुट करते हुए आप इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि नहीं। सो क्या हो जाएगा, देखो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर मतलब 3.5 × 3.5, अरे हाँ कि ना, और प्लस 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3.5 × h इज वॉट, ठीक है ना, h इज वॉट 7, अरे हाँ कि ना, जरा बता दो तो, सब सही चल रहा है कि नहीं जरा बता दो तो, है ना 3.5, ओके गुड, ओके 7 से 7 गया है ना, इससे ये गया, तो यहां क्या हुआ 22 × 35 + 44 × 3.5, सो इफ वी टेक कॉमन 22 × 3.5, सो यहां एक बचेगा और यहां क्या बचेगा, दो बचेगा, दैट मीन्स 3 × 22 × 3.5, दैट मीन्स हाउ मच, दैट मीन्स 231 जो होगा वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अरे हाँ कि ना, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था, चलो ये देख लो भैया। सो अंडर रूट ऑफ क्या 0.0225 और फिर प्लस में क्या है, फिर अंडर रूट इसमें क्या है 0.01। सो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, कितने हैं 1, 2, 3, 4 डेसिमल के बाद, तो जब हम अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट खोलेंगे तो 15 का होगा ये, क्या अंडर रूट है ना, ये कितना होगा 0.15 और प्लस 0.01 और जोड़ देंगे तो 0.16 का अंडर रूट क्या होगा 0.4 हो जाएगा, 0.4 ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अरे हाँ कि ना, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 3 years, इन हाउ मेनी ईयर विल इफ अमाउंट टू 243 times इटसेल्फ, बोल रहा है 3 गुना हो जाता है, 3 times हो जाता है, कितने में ट्रिपल हो जाता है, कितने में, 9 वर्षों में, 9 years में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो बोल रहा है 243 times कितने सालों में होगा। अब देखो जुगाड़ क्या है हमारे सामने, जुगाड़ ये है मुझे इस अमाउंट को 3 के पावर में लाना है, कितने के पावर में, 3 के पावर में, तो आप जो है 243 को लिख सकते हैं क्या 3 to the power 5, अरे हाँ कि ना, बस ये जो 5 आ गया, इस 5 को इस ईयर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 9 = 45 ईयर्स में, ये क्या हो जाएगा 243, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ही होता है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, याद रखना किस तरीके से ये किया, ये जुगाड़ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी है, तो बोल रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सो आप कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा विच इज इक्वल टू ए बाई बी, मतलब जहां जहां मैं कॉस थीटा को ए लिखूंगा वहां वहां मैं साइन थीटा को बी लिख सकता हूं। इसका मतलब इसको मैं अगर देखूं तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या, cos theta plus sin theta, that means we can use a and b both over here, so a minus b or a plus b, which option, option number c is your right answer। next question देखते हैं, जब चॉकलेट को 1 रुपए में 2 के भाव पर खरीदकर ₹1 में 4 के भाव में बेचा जाता है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो, 1 रुपए में 2 के भाव में खरीदकर 1 रुपए में 4 में बेच दिया, क्रॉस कर दो तो क्या हो गया 4 से 2 कितना घटा, 2 घटा किस पर, 4 पर मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 50% का लॉस हुआ, हानि हुआ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक काम को करने में PQRS की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:5:4 है, किसी कार्य के लिए दिए गए परिश्रमिक इतना रुपया है,
तो किसे सबसे ज्यादा राशि मिलेगी और कितनी राशि मिलेगी? तो भैया इनकी जो वर्क एफिशिएंसी है, इनकी जो कार्य क्षमता है, वो दिया गया है 2:3:5:4। और आपको पता है जो परिश्रमिक होता है, जो अमाउंट होता है, वो किसमें बढ़ता है? उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से। दैट मीन्स इसका सम देख लो, 5 5 10 14 14 42, 4200 को 14 के फॉर्म में बांटना है तो 300, एक की वैल्यू 300, तो किसको ज्यादा मिलेगी? 5 को ना, तो 5 × 300 मतलब 1500 किसको मिलेगी? आर को मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमें चाल ज्ञात करना है। चाल मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 110/12, लेकिन ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में बोला है। सो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये गया 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, ये गया कितना बार? 2, तो 55, और ये क्या गया कितना बार? 11, तो क्या हो गया? 33 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.125 के ऊपर बार है का परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको पता है जितने के ऊपर बार हो उतने कितने? 3 9 आ जाएंगे। 3 के ऊपर है ना, तो 3 9 आ जाएंगे। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट उड़ाते हुए चलना है। आइए, एक आयतकार प्लॉट में चारों ओर 2 मीटर रास्ता बनाया जाता है। प्लॉट का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है। निर्माण की लागत 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। निर्माण का कुल लागत, एक बोल रहा है एक ऐसा रिक्टेंगल है, एक ऐसा आयतकार प्लॉट है जिसके चारों तरफ दो 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 मीटर रास्ता बनाया जा रहा है। अच्छा, बोल रहा है इसका एरिया क्या है? 96 वर्ग मीटर है। बोल रहा है इस एरिया को, इस रास्ते को बनाने में आने वाला खर्च प्रति वर्ग मीटर 50 है, तो टोटल अमाउंट निकालो। अब मुझे एक बात बताओ, जब तक इसकी चौड़ाई और लंबाई के बारे में मुझे नहीं पता चलेगा, तब तक तो मैं नहीं निकाल सकूंगा, क्योंकि मुझे लेंथ ही नहीं मिलेगा, तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा? जरा बताओ, तो निकाल सकता हूं क्या? नहीं। अगर मैं यहां ले लूं 12 और 8, 96 तो रहे, लेकिन दूसरे भी नंबर्स तो हो सकते हैं 96, है ना? समझ रहे ना, दूसरे भी नंबर्स का मल्टीपल भी तो हो सकता है 96। इसका मतलब मैं तो क्या बोल रहा है, मैं तो पता ही नहीं कर सकता कितना उसका कॉस्टिंग आएगा, है ना? क्योंकि मैं डायमेंशन से ही नहीं निकाल पाऊंगा। इसका मतलब अगर मुझे लेंथ और ब्रेथ एक कोई दिया होता तो मैं निकाल सकता था। इसका मतलब डेटा क्या है? अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 45 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से समांतर पटरियों में चल रही है। देखो जरा, समांतर पटरी में चल रही है। यदि वह समान दिशा में चल रही हो तो वह एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? तो जरा यहां देखो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही डायरेक्शन में। दैट मींस बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, दैट मींस 5 किलोमीटर पर आवर उनकी क्या आएगी? रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। अरे हाँ की ना। और इसी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस टोटल लेंथ को पार करेगी, है ना? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे को सबसे पहले मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूं, तो मुझे 5/18 करना पड़ेगा। ये मेरा मीटर बाई प्रति सेकंड आ गया। डिस्टेंस क्या है? टाइम पूछा है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 200 + 150 / 5 × 5/18, दैट मीन 350 × 18/25। 100 में 4 बार 25 और 12 16, तो ये क्या कितनी बार? 16। 16 × 18 दैट मीन्स 252 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अरे हाँ की ना, जरा बता दो। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
10.98 मल्टीप्लाई बाय 10.98, यदि 10.9 इंटू 9.98 प्लस 10.98 इंटू के प्लस 0.02 इंटू 0.02 एक पूर्ण वर्ग है, तो k का मान ज्ञात करें। देखो जरा इसको ध्यान से देखो, क्या है गाइस, एक पूर्ण वर्ग है। दैट मींस यहां जरा देखो ए स्क्वायर, यहां बी स्क्वायर और यहां पर 2ab, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दैट मींस a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया पूर्ण वर्ग। अरे हाँ कि ना? इसका मतलब जरा देखो, अगर मैं कंपेयर कराऊं तो a की वैल्यू 10.98 आ रही है कि नहीं, b की वैल्यू क्या आ रही है 0.02। अरे हाँ कि ना, जरा बता दो। तो इसका मतलब यहां क्या होना था, 2ab जो किसके बराबर है, 10.98 के बराबर है। a की वैल्यू क्या है 10.98 है, तो मैं लिख सकता हूं 10.98 इंटू b की वैल्यू 0.02 इज इक्वल टू 10.98 इंटू के। अरे हाँ कि ना, बता दो। तो 10.98 से 10.98 गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 0.04 आ गई k की वैल्यू, जो पूछी गई ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बस देखना था इस प्रकार से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी यदि उसकी चाल इतनी हो? तो भैया यहां देखो किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और यहां मीटर दिया गया है। इसको सबसे पहले भाई कन्वर्ट कर लिया जाए मीटर पर सेकंड में, तो क्या 5/18। तो 5/18 मतलब ये कितनी बार गया जरा देखो, तो 36, 8 बार है ना। तो क्या हुआ, 5/40 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो गई। क्या पूछा है, समय पूछा है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 100 मीटर बटे 40 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 2.5 सेकेंड्स में वो पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 + 4 × 5² + 4 × 5³ + 4 × 5² + 4 × 5² + 4 × 5² का मान ज्ञात करिए। इसको करते हैं, तो 5 पहले बाहर ले लो, ठीक है। अब 4 कॉमन ले लो, तो 5² + 5³ + 5² + 4 + 5²। आर यू एबल टू राइट इट? यस वी कैन। सो व्हाट वी कैन राइट, 5 + 4 × 5 = 25, 5³ = 125, 5 × 25 = 625। अरे हाँ कि ना, लिख सकते हैं कि नहीं? और ये क्या होगा, 3125 है ना। तो जरा देखो, 5 + 4 यहां क्या हो जाएगा, 3900 है ना, 3900। तो यहां कितना हो गया जरा देखो, तो 15600 और प्लस 5 मतलब 15605, जो किसके बराबर होता है, 5^6 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सबसे बड़े छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 12 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे हॉल में रखा जा सकता है। मतलब ये किसकी बात हो रही है गाइस, ये क्यूबॉइड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ये क्यूबॉइड की बात हो रही है। अब क्या बोल रहा है कि जो है लेंथ 12 दिया गया है ना, ब्रेथ 4 दिया गया है, हाइट 3 दिया गया। बोल रहा है उस डायगनल की वैल्यू निकालो, उस डायगनल की वैल्यू निकालो जो सबसे बड़ी हो। डायगनल तो सबसे बड़ी होती है, जो मैक्सिमम हो, जो उसके अंदर रखी जा सकती। तो आपको पता है क्या होता है, L² + B² + H² का अंडर रूट। अरे हाँ कि ना, बस। तो डायगनल क्या आ जाएगा आपका, आपका 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो दिट्स विल बी 144 प्लस 16 प्लस 9 25 169, सो विच इज इक्वल टू 13 मीटर। कितना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, वो 13 मीटर की छड़ होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। 5 + 0.5 + 0.005 + 0.0005 + 0.05 का मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं है भैया, जोड़ना ही पड़ेगा, 4 लगा दो। हमेशा ध्यान रखना, जल्दीबाजी में मत कर देना ये क्वेश्चन, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल बिठाना, 0050 0005
उसके बाद क्या है 0.0500। चलो जरा यहां देखो, पांच एक ही बार है लगा दो, 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 पॉइंट पांच एक ही बार है लगा दो। सो दिस इनटू टू विच इज इक्वल टू 11.111। अरे हाँ कि ना, 11.111 ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। साइन 16 टू कॉस 30 प्लस कॉस 16 टू साइन 30 इजी है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और वही कॉस 60 की भी वैल्यू, कॉस 30 की भी वैल्यू होगी प्लस साइन कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, वही साइन 30 की वैल्यू होगी। सो ये क्या हो गया 3/4 प्लस 1/4, दैट मीन्स 4/4 मतलब 1 इज योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या 1A 5A 0 1 में एक स्थान पर कौन सी अंक आएगी यदि वह संख्या 11 से विभज्य हो। अब मुझे एक बात बताओ, 11 से डिविजिबल रूल क्या होता है? सारे जो ऑड प्लेस होंगे, जो विषम प्लेसेस होंगी, उनका सम और इवन प्लेसेस, सम प्लेसेस का सम या तो डिफरेंस या तो 0 हो और 11 हो। दोनों ही कंडीशन मुझे यहां पे रखना पड़ेगा। दैट मींस 1+5+0 मतलब 6 हुआ किसका, ऑड प्लेसेस का। और इवन का देखते हैं a+a 2a+1 इन दोनों का डिफरेंस या तो जीरो हो और इन दोनों का डिफरेंस या तो 11 हो। पहले वाले कंडीशन को सबसे पहले देखा जाए तो यहां लिख सकता है 6 = 2a+1 दैट मींस 2a = 5 दैट मींस a = 2.5। यहां तो भाई मैं 2.5 मैं नहीं लगा सकता, इसका मतलब ये कट, ये वाला देखते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या कि 2a+1 = ये इस तरफ गया तो क्या हो गया, सही चल रहा है? एक सेकेंड, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, किस तरीके से लिख सकते हैं कि 2a+1 -6 = 11 है ना, लिख सकते हैं ना। तो हाँ वही बात तो बराबर ही है। सो 2a+1 एक मिनट, पांच, हाँ ठीक है कोई इश्यू नहीं है। सो ये क्या हो गया -5 = 11 एंड 2a = ये क्या हो गया 16 देन a = 8। बस एक ही जगह पे यहां अगर मैं 8 पुट किया होता तो ये डिविजिबल हो जाता ऑप्शन नंबर डी। चलो आज का अंतिम प्रश्न। एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया फिर उसे 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है? देखते ही साथ समझ गया होंगे ऑप्शन नंबर डी कोई परिवर्तन नहीं होगा। करके देख लें इसको। सपोज वो 100 का था, 25% बढ़ाया गया तो 125 का हो गया। अरे यार कितने का हो गया, 125 का हो गया। फिर उसे 20% कम कर दिया गया तो भैया 12.5 × (+)/2 मतलब 25 फिर से कम हो जाएगा, 25 कम हो जाएगा तो 20% कम हो गया ना, 25 कम हो गया तो मतलब फिर से 100 आ गया। कोई चेंज आया नहीं, आया ऑप्शन नंबर डी कोई परिवर्तन नहीं। तो गाइज ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप आप इसमें 23, 22, 24, इवन 25 भी स्कोर किए होंगे। आई बिलीव दैट। गाइज इस सेट को इसी तरीके से चलाते चलो, डेली देखते चलो, डेली प्रैक्टिस करते चलो। आई एम अश्योरिंग यू कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके में आएंगे। मैथ्स और रीजनिंग 55 में से भैया 55 लाना अनिवार्य है अगर आपको सिलेक्शन करना हो तो, अच्छी रैंक लानी हो तो, ठीक है, क्योंकि भैया मेरिट की बात हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है गाइस, फिर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं जहां पर उसका पीडीएफ जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।